नाइरा मतलब 4 मार्क का ये वेटेज कवर करते हैं। क्वेश्चन की वेराइटी इसमें बहुत सारी बन जाती है एक्चुअली, टॉपिक टॉपिक में कंटेंट काफी कम है, मतलब डेफिनेशन अगर आप देखोगे रिलेशंस के अंदर तो बहुत कम है, लेकिन इस पे क्वेश्चन की वैरायटी बन जाती है, लेकिन वो घुमा घुमा के एक ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लेवर बनना होगा। ग्रेड कर देते हैं। हाँ, बस क्लेवर क्लेवर इस क्वेश्चन को मतलब टैकल करना होगा। वो दिखने में थोड़ा सा वो दिखने में अजीब दिखेगा कभी कभी, थोड़ी बहुत चीजें बेसिक इन्वॉल्व कर लेगा, लेकिन बस ध्यान से अगर आप प्रॉपरली करोगे सॉल्व तो अपना पता चल जाएगा। कभी अगर नहीं पता चले तो वैल्यू रख रख के देख लेना। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल जैसे मान लो पूछा है कि भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो कोई भी आपने वैल्यू रख के देख ली कि हाँ चेक कर लिया कि सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर एक भी जगह सिमेट्रिक नहीं हुआ तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन बोल रहे कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है मतलब उसको हर जगह सिमेट्रिक या फिर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपको आएंगे जितने भी मैंने अभी पास जनरली 4-5 साल के देखा है, तो इस पूरे रिलेशन में से या तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, मतलब एक रिलेशन आपको डिफाइन कर देगा सेट ए और सेट बी में, वो पूछेंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, फिर आपको या फिर चेक करने का बोलेगा टाइप ऑफ रिलेशन, चेक करने का बोलेगा टाइप ऑफ रिलेशन, और एक एक टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट ऐड करो ताकि ये रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाए। हाँ, है ना, देखे आपने क्वेश्चन ऐसे? ठीक यस सर, है, ये तीन ही वेराइटी इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करो ताकि वो रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाए, इन्हीं तीन ही वेराइटी पे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि हर सेट में हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है रिलेशन का, तो कहीं ना कहीं हम ये शॉर्ट शॉर्ट है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो अगर इसको आप अच्छे से कर लोगे तो 4 नंबर हमारे वहां पूरे हो जाएंगे। अगेन क्वेश्चन की शक्ल को देख के नहीं घबराना है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आज की क्लास में अपन 2023 के ही क्वेश्चन में लेके आए हूँ, 2023 के, 2023 में जितने भी रिलेशन से क्वेश्चन आए वो हम अटेम्प्ट करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर मैं आपको जो क्लास नोट शेयर करूंगा उसमें 2022 के और 21 के क्वेश्चन भी ऐड करके दे दूंगा। 22 और 21 में थोड़ा सा लेवल और अच्छा आया था जेई के पेपर का, तो वहां पे आपको थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट मत करना, ये PYQ ही कर लोगे तो बहुत है। क्लियर है सबको? यस बोलो। इसके अलावा कोई बुक रेफर नहीं करनी, कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने नहीं जाना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इन सब चीजों में। आपको अगर टाइम देना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में दो, ठीक है, मैथ्स में इस चैप्टर से आपको जो मैं क्लास में नोट्स करा रहा हूँ उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, थोड़े बहुत PYQ बस ये सॉल्व करते हैं बस, मतलब आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसके अलावा आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन आपको पता ही है, जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है ए, कोई सेट है बी, एक सेट ए और बी है, इन सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, इसका हम निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ए क्रॉस बी मतलब क्या होता था कि मान लो ए क्रॉस बी ऑफ द टाइप ए और बी है, तो पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। अब रिलेशन क्या होता है, इसी का कोई ना कोई सबसेट होता है जो कोई ना कोई एक रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, कोई ना कोई एक रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, सेट ए में मान लो एलिमेंट है 1 2, सेट बी में एलिमेंट है मान लो ए बी सी, तो ए क्रॉस बी में क्या क्या आ जाएगा जल्दी बता दो सर। 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे इसके अंदर? 6 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
होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एक रिलेशन जो जिसको मैं एक रूल में इन्वॉल्व कर दूंगा, उसमें कोई भी एक रूल डिफाइन कर दूंगा सेट ए और सेट बी के हिसाब से, और उसी का कोई ना कोई एक सबसेट मेरे सारे क्या होंगे, अलग अलग टाइप के रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया, एनी सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर? यस सर। ये फटाफट इसका आंसर बता दो, अगर सेट ए इक्वल टू 1,2, सेट बी है 3,4, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 4। नहीं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए के अंदर कितने एलिमेंट है 1,2 सर, 2 की पावर 4। हाँ, बी के एलिमेंट है 3,4, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे सर? 4। 4 आएंगे। ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे सर? 2 की पावर 4। हाँ, 2 की पावर 4, याद आ रहा है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होगा, ये 32 सर, 16 सर, 16 होगा सर। ठीक है, क्लियर है सबको, जग रहे हो ना? यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल, इनवर्स कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे एक रिलेशन r दिया 11, 12, 13 to 8, 9, 10 डिफाइंड बाय y इक्वल टू x माइनस 3, तो इसका r इनवर्स क्या होगा? तो रिलेशन r डिफाइंड है इस तरह से, y इक्वल टू x माइनस 3,
कहां से कहां तक रिलेशन डिफाइंड है, ये आर डिफाइंड है 11, 12, 13 और यहाँ पे है 8, 10 और 12 है ना। तो अपन जैसे अगर मेरा ये यहाँ पे x होगा ये y होगा है ना, यस सर। तो मुझे बताओ x की वैल्यू 11 रही तो उसकी मैपिंग कौन सी आएगी, 8, 8, 12 पे 9 नो तो है ही नहीं, और 13 पे 10 बस ये मैपिंग बनेगी है ना, यस सर। बोलो ये r हो गया मेरा, ये सबको समझ में आया r कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू रखी y आ गया, क्लियर सबको, इसके लिए कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ऐसा कैसा। अब इसका आर इनवर्स निकालना, तो इनवर्स कैसे बनाए, यहाँ पे, यहाँ पे एलिमेंट क्या देंगे फर्स्ट वाले सेट में बताओ, 8, 10, 12 वेरी गुड। सेकंड सेट में एलिमेंट क्या जाएंगे, 11, 12, 13 अब मैपिंग क्या करोगे, 8 से किसकी मैपिंग करोगे, 11 की, 10 से 13 इनकी, 12 से किसी की नहीं करेंगे, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, नहीं कोई होगी क्या, 12 हो है ही नहीं ना, क्लियर है, यस सर। आर इनवर्स कैसे बनेगा, आर इनवर्स का आंसर क्या जाएगा, 8, 11 और 10, 13 बस, क्लियर है। जो ये एक्स वाला सेट होता है उसमें तो खाली नहीं होते ना एलिमेंट, नहीं नहीं वो फंक्शन में होता है, ये रिलेशन है, वो फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ते हैं, खाली कहीं भी रिलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी खाली रह सकता, कोई एक एलिमेंट तीन से भी जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई रूल फॉलो होता है क्या, नहीं, क्लियर है, ओके ओके सर। दो छोटे छोटे एग्जांपल थे। अब टाइप ऑफ रिलेशन, जो मेन काम काम के सबसे पहले कौन आता है, बोलो, अरे बोलो, जो काम के जिससे एग्जाम से काम हो रहा है, रिफ्लेक्सिव है ना, रिलेशन मान लो कोई सेट है ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं ए टू ए में, उसके अंदर एलिमेंट आ रहे मान लो ए कोमा बी एंड सो ऑन, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होगी सर, उसमें और ध्यान क्या रखना है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, सारे एलिमेंट, यस सर, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। जैसे सेट में मानो 1, 2, 3 है और मैंने कोई रिलेशन आर डिफाइन किया जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 2, 3, 3, 1, 2 तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नो सर, 1, 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 1
सर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी है तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए होना चाहिए। वेरी गुड, क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड, और ट्रांजिटिव किसको बोलते थे सर? ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना। अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी ये मेरे अगर हैं गिवन कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे छोटा सा दोनों होती है तब भी ट्रांजिटिव होता है ना? हाँ, अब वो मैं बताने वाला हूँ, एक मिनट। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे बोला ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों हैं तो ये इसका आना कंपलसरी है, समझ आ रहा है? अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो फिर आपका ए कॉमा सी को होना ही पड़ेगा, तो ही वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लो ये दोनों ही नहीं है तो फिर अपन अपन कुछ और सोचेंगे नहीं। जैसे मान लो अगर कोई सेट है जिसके अंदर मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ 1, 2, इसी सेट ए के हिसाब से रिलेशन आर लिख रहा हूँ, मान लो मैं 1, 2, 3, 3, 2, क्लियर है? अब कोई मुझे पूछेगा क्या ये ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे किसी के साथ ट्रांजिशन बन रहा है क्या? ट्रांजिशन बनाने के लिए मेरे को ये और ये चाहिए, मतलब एक सेट का सेकेंड एलिमेंट बी होना चाहिए, दूसरे सेट का सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट बी होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो ट्रांजिशन बनेगा। अब यहाँ पे ट्रांजिशन बन पा रहा है क्या? यहाँ पे 1, 2 है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या?
ट्रांजिशन देखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, यस इट इज अ ट्रांजिशन, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए कोई एलिमेंट बन ही नहीं रहा है, ठीक है, आगे बात समझ में, यस सर, तो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, कोई रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया कर दिया, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 1, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 3 और 3, 2, पूछ रहा हूं मैं क्या ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है क्या, चेक कर लो, सर रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है सर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देखो रिफ्लेक्सिव चेक करना तो बहुत आसान है, हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग है ना, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो ये तो बिना देखे कर दो, वेरी गुड, सिमेट्रिक के लिए देखो अगर कोई एक एलिमेंट एक का भी अगर सिमेट्रिक नहीं बना तो पूरा सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर मान लो किसी का उल्टा नहीं, जैसे 1, 1, 3 का सिमेट्रिक है, हाँ है, 2, 3 का सिमेट्रिक है, हाँ है, तो सिमेट्रिक सबके लिए बन रहा है, यस सर, ठीक हो जाएगा, ट्रांजिशन चेक कर लेते हैं, अगर ट्रांजिशन सबके लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा, ट्रांजिशन में क्या देखते हैं अपन, ए बी ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी ए कॉमा सी, ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो अपन ट्रांजिशन देखते हैं, अब देखो इसका ट्रांजिशन किसके साथ देखेंगे, 1, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये वाला है 1, 3 पे, तो इनका ट्रांजिशन जो होगा 1, 3 वो तो है, चलो इसका काम हो गया, ठीक है, अब 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई भी नहीं है, 3, 1 में अगेन 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये खुद ही 1, 3, तो इनका ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, 3, 1, 1, 1 का 3, 1, तो ये है ऑलरेडी, इसका भी काम हो गया, 2, 3, 2, 3 में अपन ये देखेंगे 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये खुद ही है, यहां पे 3, 3 ट्रांजिशन का मैंने कहा 2, 3, क्या 2, 3 है, हां है, ठीक है, और इन दोनों का देखोगे 2, 3 और 3, 2 से, तो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा 2, 2, तो वो भी है, इसका भी काम हो गया, और कोई आ जाइए, देखो एक और है, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, देखो 2, 3 और 3, 1 का ट्रांजिशन 2, 1 है, नो सर, नहीं, बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं, एक भी जगह अगर नहीं बन रहा है तो ट्रांजिशन नहीं होगा, क्लियर है, यस सर, अरे बोलो, वेरी गुड, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिए मैंने, घर पे जाके देख लेना और अच्छे से, क्लियर सबको, यस सर, एक सेकंड, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और तीनों अगर हो जाते तो क्या बोलते हैं, ठीक है, एक बार चलो एक और ट्राई कर लो जल्दी से, फिर इसके बाद अपन पीवाईक्यू पे जंप कर लेंगे डायरेक्ट, सर ऑप्शन बी, सर ओनली रिफ्लेक्सिव, सर बी, यस सर, असद आए हो क्या, असद असद की दिख नहीं रहा है, अटेंडेंस है, असद नहीं है, ठीक है, बी आ रहा है, ओके ग्रेट, तो अच्छा रिफ्लेक्सिव है क्या, यस सर, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक नो सर, सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं है ना, किसके लिए सिमेट्रिक नहीं बन रहा था, नहीं 3, 9, 12 के लिए भी नहीं, हां भाई किसी एक का भी देख लो, किसी एक का नहीं आएगा तो नहीं हो जाएगा, वेरी गुड, 3, 9 और रिफ्लेक्सिव का सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है सर, ट्रांजिटिव बन रहा है सर, सबके लिए बन रहा है पक्का, यस सर, यस सर, तो फिर तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, नहीं कैसे हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है ना सर, सिमेट्रिक नहीं है ना, 3, 9 के लिए नहीं बन रहा था, हां तो फिर बोलो ना, चेक कर लो, सिमेट्रिक नहीं बन रहा, 3, 9 तो 3, 9 में क्या देखेंगे, 9 से स्टार्ट होने वाला है, तो 9 से स्टार्ट होने वाला कौन-कौन है, 9, 9 सर, 12, 12 के लिए तो नहीं है ना, पर अरे इनके लिए तो 12, 12 किसके साथ ट्रांजिशन देखना है,
कोई है ही नहीं एलिमेंट इसको, इसके लिए कोई चेक करने वाला एलिमेंट ही नहीं है ना, इसके अलावा और कोई जिसको जो आपको लग रहा हो? सर सिमेट्रिक ही बन रहा है ये, इसका ये सिमेट्रिक ही खुद ही होता है, इसके अलावा और कोई 3.9 नहीं था, सॉरी मेरा ध्यान कहीं वो चला गया, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव बन रहा है ना? यस सर, यस सर, सॉरी सॉरी मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया, एक्चुअली मैं पिछले 5 दिन से हॉस्पिटल में था दिन रात, आपको बताया था ना मैंने, इसलिए तो अभी थोड़ा सा हो सकता ध्यान नहीं है। हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो अब देखो 2023 पे आ जाते हैं अपन, 2023 पे जो इस साल जैसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह से वैरायटी जेई पूछता है, तो घबराना नहीं क्वेश्चन को देख के, फर्स्ट वाला पढ़ो ध्यान से, ये तो अपने शायद किया भी था उस दिन, जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी हुई है, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाँ है ना? यस सर, एचसीएफ, यस, 2a नॉट इक्वल टू b मतलब एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ 1 होना चाहिए, ऐसा बोला कि ऐसे a कोमा b सारे अपन को सिलेक्ट करने ताकि उनका एचसीएफ 1 हो, और एक कंडीशन 2a इज नॉट इक्वल टू b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ एक एक करके फटाफट, सिमेट्रिक सबसे पहले क्या आता है? रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करोगे? इनपुट करेंगे, हां रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सर? बी ए कॉमा ए होना चाहिए, है ना? इस तरह के एलिमेंट होने चाहिए कि नहीं, राइट? अब ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट होंगे नहीं होंगे ये चेक करना, डेफिनेशन क्या है कि इनपुट और आउटपुट का जीसीडी बनाना चाहिए, तो इनपुट और आउटपुट यहां पे क्या है? सेम है, तो इनका जीसीडी क्या होगा सर? 1 होगा, 1 होगा कि ए होगा, जैसे कोई नंबर है 5 होगा, एग्जांपल 5 और 5 होगा सर, ए का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 5 ही तो होगा, है ना? तो क्या ये 1 के बराबर है क्या? नो सर, नो सर, समझना कैसे मैं जान, देखो अगर या तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन से जाओ, ए ले लिया आपने इस तरह से, या फिर एग्जांपल खुद से ले लो, क्योंकि इंटीजर बोला ना तो खुद से एग्जांपल भी ले सकते हो, अगर एक भी जगह सेटिस्फाई नहीं करा तो अपन ना कर देंगे, है ना? अरे बोलो बच्चों, आ रही बात समझ में? यस सर। तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नॉट रिफ्लेक्सिव, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर, ठीक है। सेकंड आते सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक चेक करने के लिए कोई भी एग्जांपल ले लो खुद से, जैसे ऐसा कोई जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, बताओ सर? 5 कॉमन 3 2 3 ले लो, चलो इसका जीसीडी 1 है, लेकिन इसके उल्टे का भी जीसीडी 1 आएगा, तो वहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कोई जो सेटिस्फाई ना करे सर? नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी होगा नहीं होगा, क्योंकि आप देखो a कॉमा b के अगर जीसीडी 1 है तो b कॉमा a का भी हमेशा जीसीडी 1 ही तो आएगा, दोनों में कुछ चेंज थोड़ी है, है ना? ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट ट्रांजिशन, ट्रांजिटिव के लिए कोई एग्जांपल सोच लो, जैसे मान लो जीसीडी जिसका 1 आ रहा सर 2.3 सर 2.3 ले लो जिसका जीसीडी 1 है, अब एक और कोई ले लो 3 से स्टार्ट होने वाला जिसका जीसीडी 1 आ जाए 4 ले लो 3.4 का जीसीडी 1 है, पर क्या 2.4 का जीसीडी 1 होगा? नो सर, नहीं, नो सर, ट्रांजिटिव हो गया खत्म। अब देखो सर ये फिर से एक क्वेश्चन टफ में कहलाएगा क्या? नो सर, नहीं ना, फिर बिल्कुल नहीं समझ पा रहे तुम, अपने छोटे छोटे एग्जांपल लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, छोड़ के नहीं आना ऐसे क्वेश्चन, तो सी आंसर क्या आएगा? ओनली सिमेट्रिक है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? यस सर, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव सर, ठीक है। हां बोलो सर, मैं तो 3 कंडीशन बताई थी ना आपने पिछली बार जब कराया था, 2a नॉट इक्वल्स टू b भी तो देखेंगे सिमेट्रिक में। यस सर, अच्छा 2a नॉट इक्वल टू b सिमेट्रिक में, ठीक है ठीक है, एक बार देख लो तो, हाँ ये वाला अपना रहेगा 2a नॉट इक्वल टू b, तो 2a नॉट इक्वल टू b में आपको क्या देखना है कि जैसे मान लो आपने बोला a कॉमा b का जीसीडी 1 है, b कॉमा a का जीसीडी 1 है, और यहाँ पे मतलब ये किसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये चेक करना चाह रहे हो? यस सर। सर ये तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, क्योंकि मतलब अगर हाँ मतलब बेसिकली अपन को ऐसा एग्जांपल लेना कि जिसमें 2a not equal to b का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी वैल्यू नहीं रखनी यहाँ पे जो b मतलब बेसिकली b not equal to 2a होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले लो इसके अलावा, अगर 2a यहाँ पे अगर 2 रख दे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या क्या 1 और 3 का 1 और 3 का सर, सर मैं कह रहा हूँ कि 2a इसको g हो जाएगा क्या, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो b हो जाएगा, तो जो gcd वाली कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं होगी,
जैसे अगर अपन मान लो बी की जगह टू ए भी रख देते हैं, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, राइट? है ना? यस। और यहाँ पे इनके उल्टे का भी खैर वो तो ए आना है, है ना? तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कुछ भी लो, अपनी बेसिक कंडीशन ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। ए कोमा बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो वन है, मान लो। अगर ये अपने मान लिया, ये अपना क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि a कोमा b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो इसका उल्टा लेंगे तो भी तो 1 ही आना है। इसके अलावा कोई कंडीशन होना कुछ फर्क पड़ेगा केस से? क्योंकि अपन जैसे GCD कैसे लेते थे, मान लो ये a है ये b है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, है ना? फिर GCD क्या देखते थे भाई, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना है। तो अब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट पहले b लिखूं फिर a लिखूं तो भी तो नहीं आएगा, है ना? आ रहा समझ में? HCF निकालते थे अपन, तो HCF निकालने में यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्लियर है? Yes, sir. Okay. इसका आंसर क्या जाएगा? Symmetric but not this. चलो next. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम के थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि इसमें ए बी सी डी चार आ गए। तो इस आर के अंदर आप मिनिमम कितने ऐड कर सकते हो, मिनिमम बोला है ना, कि वो इक्विवेलेंस बन जाए। करो ट्राई। आराम से शांति से, और कौन जल्दबाजी में आंसर मत देना, टाइम लो, तीन दो से तीन मिनट टाइम ले लो, दो मिनट का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर श्योर हो तभी आंसर देना। चैट बॉक्स
हाँ क्या आया 13? यस सर। आधे लोग बोल रहे 7, 15, 20, 22 बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं। चलो ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं। ए बी सी डी ए, तो सबसे पहले क्या नाम है इसका, नाम बोल देता हूँ, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या चाहिएगा मेरे को सर? ए ए बी बी ए डी डी और डी डी, चार तो यही हो गए है ना? यस सर। वेरी गुड, चार चार ही हो गए। ओके, इसके बाद अपना आता कौन, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में उल्टा होना चाहिए, तो ए कोमा बी तो इसका उल्टा बी कोमा है क्या? नहीं है तो वो ऐड कर दो, है ना? यस सर। तो बी ए ऐड कर दिया। बी कोमा सी का उल्टा सी कोमा बी, सी कोमा मी भी नहीं तो वो भी ऐड कर दो। बी कोमा डी का उल्टा डी कोमा बी, वो भी नहीं है तो ऐड कर दो। ये सिमेट्रिक का काम हो गया, है ना? क्लियर? यस सर। अब मेन काम आता ट्रांजिटिव का। अब ट्रांजिशन के लिए एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है? देखो अब सबसे पहले एक एक एलिमेंट ले लो फटाफट। ए बी यहाँ पे जैसे मैं देखो लिख रहा हूँ ए कोमा बी, अब मैं क्या चेक करूंगा बी बी से सर, इसमें ए ए बी बी। अच्छा हाँ सर, आपने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया ना ए बी बी। ये सबसे पहले तो ये क्या ना, ये देखो ये किसके लिए क्या, मैंने रिफ्लेक्सिव का, ये रिफ्लेक्सिव बना दिया, फिर मैंने सिमेट्रिक बना दिया, ठीक है? अब ट्रांजिटिव बना रहा हूँ, क्लियर है? यस सर। ट्रांजिटिव के लिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले मैंने एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट किया, ए कोमा बी। अब बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, एक तो बी कोमा सी और बी कोमा डी है, और कौन है बी सिस्टम होने वाला, बी कोमा बी है, और कौन है बी कोमा ए है, बस है ना? यस सर। ट्रांजिशन देखेंगे, इसका ट्रांजिशन बनेगा ए कोमा सी। क्या एसी है इसके अंदर? नहीं है। नो सर, एसी को ऐड किया। अब अच्छा एसी को ऐड किया तो हाथ हुआ, तो इसको उल्टा भी ऐड होगा। वेरी गुड, तो सी ए भी यही हाथ हुआ, ऐड कर दो सी कोमा ए भी ऐड कर दिया। वेरी गुड, तो ये सब काम होता जाएगा, दिमाग नहीं लगाना रहेगा। इसका ट्रांजिशन देखो आप, ए डी, इसका ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, AD, AD है क्या? नो सर, नहीं सर, AD भी ऐड करो, AD, और इसका फिर D, उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा, D है, हाँ ना? देखो कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। इसका ट्रांजिशन देखो, AB, अच्छा इससे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, उससे तो वो खुद ही बनेगा, ठीक है? तो कोई मतलब नहीं है, सेम एलिमेंट से नहीं देखोगे तो भी चलेगा। AB और BA का ट्रांजिशन कौन हो जाएगा, A, तो इसका भी काम हो गया, है ना? वो भी है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Okay. इसका काम होगा। अब आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? एक एक करके सबके लिए चेक करना पड़ेगा। बी कोमा सी के लिए चेक करोगे तो बी कोमा सी से चेक करने के लिए सी से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? सीबी लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सीबी भी लिखोगे तो इसका वो अपने आप बन जाएगा, है ना? सीबी लिखने की जरूरत, देखो एक तो बी, समझ में आ रहा, एक तो सीबी से चेक करने की जरूरत नहीं है और बी कोमा बी से चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि इससे तो हमेशा बनेगा ट्रांजिटिव, और एलिमेंट भी वो खुद ही रहेगा, इन दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कौन है, सी कोमा ए, है ना? तो सी कोमा ए का ट्रांजिशन क्या बनेगा, बी ए, बी ए है, हां सर, ए, यस सर। हो गया सारा, और कोई तो ही नहीं है? नहीं, हो गया काम। इस तरह से आपको एक एक करके सबके लिए चेक करना पड़ेगा। तरीका समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आई थिंक दो रेड होंगे, तो आंसर आपका इसका 13 है, क्लियर है? एलिमेंट ही नहीं है ना, तो अपन चेक ही नहीं करेंगे। आ रहा है, देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, बी कोमा सी है तो सी से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट कौन कौन है इसके अंदर, वो ही मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है? यस सर। ओके ओके, हाँ वेरी गुड। डाउट्स पूछ लेना, जिसको भी डाउट है पूछते रहना। नेक्स्ट, बताओ सर, रिफ्लेक्सिव तो है? रिफ्लेक्सिव है? यस सर, रिफ्लेक्सिव तो होगा। यस सर। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला गया, ए कोमा ए आना चाहिए, है ना?
राइट तो इनपुट और आउटपुट दोनों अगर ए ए हो गए तो आपका देखो रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, अगर इनपुट है आउटपुट भी है तो 2a plus 5b is a multiple of 5, ये आपका रिलेशन आर है। तो अगर इनपुट और आउटपुट को सेम रख दोगे तो क्या हो जाएगा 2a plus 3a, 2a plus 3a क्या आ जाएगा 5a, तो ये 5 का मल्टीपल है, आया ना? वेरी गुड, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव में किसी को डाउट हो एनीवन तो पूछ लो, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो या फिर इसका उल्टा चेक कर लो। उल्टा चेक करने में दिक्कत क्या है कि 3a plus 2b बनेगा तो आपको वैसा फिर क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर कोई एग्जांपल लेके देख लो जो काम बन, 0.5 और 5 सब वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेंगी सब में। हाँ, रख के देख लो, कोई भी रैंडम आप रख सकते हो, 0.5 नेचुरल नंबर बोला बेटा, तो नेचुरल नंबर में 3 और 2, ठीक है। तो पहले तो ऐसा चेक करो, ऐसा a कॉमा b रखो ताकि वो 5 का मल्टीपल हो, क्लियर है? ऐसा रखो सर, a को 2 रखो और b को 7 तो 25 बन जाएगा, ठीक है। 2 और 3 भी रख लो, ठीक है, कोई भी एक रख लो जो मर्जी है। 2.3 रखा आपने तो 2 × 2 + 3 × तो ये तो 13 हो जाएगा, 5 को मल्टीपल का है पर ये तो ऐसे ही नहीं बना, आता ही तो बन ही नहीं रहा है। 4 को 2 और b को 7 सर, 2 और 11, ठीक है ठीक है, 2 7 2 11 रख लो। 2.7 अगर आपने रखा तो 2 × 2 आ जाएगा प्लस 3 × 7 ये आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका उल्टा चेक करके देखो तो ये हो जाएगा कितना, 14 20 का, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ये मतलब थोड़ी लेने का, आपको तो ऐसा चेक करना जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसा कोई आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा मतलब सिमेट्रिक होगा, या फिर अपन एग्जांपल से देखो फिर, अगर नहीं बन रहा है तो कोई, अगर देखो अगर डायरेक्ट मिल जाए तो काम हो जाएगा। ऐसा कोई अगर मिल जाए एग्जांपल जो सिमेट्रिक नहीं हो रहा तो अपन को डायरेक्ट चेक करने की, मान लो नहीं मिल रहा तो 6 और 1 सिंपलीफाई करके देख लीजिए सर, 6 और 1 तो 6 रखेंगे और तो 1.6 चेक करना पड़ेगा, तो 1 सर उससे भी सिमेट्रिक मिल रहा है, उससे तो बन रहा है, पूरा सिमेट्रिक जा रहा है। अरे हाँ हाँ बन रहा है, धीरे धीरे कोई बात नहीं। अब देखो 2a + 3b जनरलाइज करके चेक करते हैं, फिर ये 5 का मल्टीपल है तो इसको लिखा मान लो 5 × k। अब मुझे क्रिएट क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है 3a + 2b क्रिएट करना है, ठीक है। मुझे बेसिकली 3a + 2b का चेक करना है कि 3a + 2b है कि नहीं है, तो 3a + 2b इसको सिंपलीफाई करके देखना है। और मेरे पास रिलेशन क्या गिवन है, 2a + 3b की वैल्यू गिवन है 5। अब इसको मॉडिफाई कैसे करें, जैसे यहाँ पे कितना 3b है और ट्वाइस ऑफ a है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो यहाँ से 2a निकाल लिया और एक a को अलग रख दिया और 2b को ऐसे रेम दिया और इसमें b को b एक्स्ट्रा थी तो b ऐड किया, b सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ से मेरे पास तो क्या बन जाएगा 2a + 3b तो बन गया, पर इसके पास क्या बच गया, a - b। अब इस a - b में और कुछ कर सकते हो क्या, या फिर किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ b की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से b की वैल्यू उठा के यहाँ पे अगर रख के देखें, ठीक है, यहाँ से आप b की वैल्यू क्या निकालोगे सर, वहाँ पे जो रिलेशन बना था a - b था उसमें, तो अगर हम माइनस कॉमन लेना तो b - a ही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ सिमेट्रिक यहाँ से नहीं हो सकता। नहीं नहीं, b - a फिर आप कैसे प्रूव करोगे, a - b है ना तो वो भी 5 की मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर 5 तभी तो ऑल 5 का मल्टीपल होगा, a - b 5 की का मल्टीपल क्यों होना चाहिए सर, क्योंकि ऐड हो रहा है ना सर, ऐड और सबस्ट्रैक्ट 5 का मल्टीपल होगा तभी तो ओवरऑल 5 का मल्टीपल होगा वो। नहीं नहीं नहीं, ऐड और सबस्ट्रैक्ट मतलब समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या समझाना चाह रहे हो सर, वहां पे प्लस में a माइनस b था ना, 45 में से 20 घटा दी तब भी तो वही 5 का मल्टीपल बन के आ रहा है, यूं कहना चाहता हूं, ये 45 में 20 ऐड कर दी तब भी 5 का मल्टीपल बन रहा है, और 45 नहीं नहीं, एग्जांपल का नहीं कह रहा हूं मैं, जिसको प्रूव करने की बात कर रहा हूं आपको मैं सर, वहां पे 2a + 3b मतलब 5 का मल्टीपल गिवन है तो हाँ। अगर a - b 5 का मल्टीपल होगा तभी तो वो जो पूरा फंक्शन है मतलब जो भी है फार्मूला वो 5 से डिवाइड होगा, आपको ये गिवन है तो इससे आप ये कैसे बोल सकते हो कि a - b भी 5 का मल्टीपल होगा, ये बताओ मुझे सर, वो प्लस में था 2a + 3b के 5 के, हाँ 2a + 3b 5 के गिवन है नो डाउट, तो इससे आप ये कैसे बोल रहे हो कि a - b भी 5 का मल्टीपल होगा,
सर आपने इक्वेशन बनाई थी ना अभी आपने दूसरे बार। अरे वो, अरे मैं तो वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैंने बनाई थोड़ी है, वो तो मुझे प्रूव करना है। सर जब हमने, सर जब हमने रिफ्लेक्सिव बता दिया कि है तो सिर्फ डी ऑप्शन में तो रिफ्लेक्सिव है और किसी में तो है ही नहीं। अरे वो तो चलो ऑप्शन की बात है, वो ऑप्शन से चलो ठीक है बाद में जाएंगे, पहले अपन कॉन्सेप्ट तो सीखें। कॉन्सेप्ट सीखने की बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि 2a प्लस 5b भी है आपका, ये 5 का मल्टीपल गिवन है, ये आपकी गिवन कंडीशन है। आपको प्रूव क्या करना है कि अगर 3a प्लस 2b भी 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो मेरा एक प्रूव हो जाएगा सिमेट्रिक है, हाँ है ना, इसका उल्टा। यस सर। 3 और 12 वाला एग्जांपल से वैसे नहीं हो रहा है सिमेट्रिक प्रूफ, एक बार चेक कर लेते। वो चलो ठीक है, लेकिन आप बेसिक कांसेप्ट ये समझो, a, b अगर है तो a, b की डेफिनेशन क्या है, 2a plus 3b should be multiple of 5. तो मुझे किसके लिए चेक करना है कि b, a इसके अंदर आना चाहिए। b, a का मतलब 2b plus 3a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 के का आना चाहिए। इसको मुझे प्रूव करना है, तो मैंने क्या करा, 2b plus 3a था तो मैंने, मेरे पास 2a था ना, तो मैंने क्या करा 2b plus 3a में एक b ऐड कर दिया, एक b सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इसमें मेरे पास क्या बन गया 3b plus 2a यहां से निकाल लिया और एक एक b बचा और एक a बचा, तो a minus b लिख दिया। तो यहाँ पे ये तो 5 का मल्टीपल आ रहा है, लेकिन इसको तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, ये आप डायरेक्ट कैसे बोल रहे हो कि 5 सर ये बराबर है ना 5 के मल्टीपल के, हमने मतलब बराबर थोड़ी, ये प्रूव करना है, कैसी बातें कर रहे हो, ये प्रूव करना है अपन को। सर ये मतलब अगर हम लोग ऐसा a माइनस b ढूंढ ले जो कि 4 का या किसी और चीज का मल्टीपल हो, तब हम ये प्रूव कर सकते हैं ना कि ये 5 का मल्टीपल नहीं है। जो a माइनस b करके 5 के मल्टीपल के इक्वल ना आ रहा, तब हम कर सकते हैं ना। फिर तो हाँ आप एग्जांपल लोगे ना, आप ये डायरेक्टली थोड़ी बोल पा रहे हो कि जनरलाइज कैसे कर दोगे कि a माइनस b इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 का मल्टीपल आएगा ही हमेशा इसको देख के, समझ पा रहे हो? यस सर, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप तो डायरेक्टली बोल रहे हो कि 2a plus 3b अगर 5 का मल्टीपल है तो ये जो अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, ये तो 5 का मल्टीपल है, चलो इसका काम हो गया, लेकिन इसको भी 5 का मल्टीपल मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं प्रूव कर दूंगा कि ये 5 का मल्टीपल है तो मैं इसको पूरे को बोल दूंगा 5 का मल्टीपल है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप ये डायरेक्टली कैसे बोलोगे कि ये 5 का मल्टीपल, इसको आपको कहीं ना कहीं या तो प्रूव करना पड़ेगा। आप एग्जांपल ले लेके करोगे तो वो तो अलग बात है, वो तो चलो अपना वही पैटर्न हो गया, लेकिन इसको अगर हम प्रूव कैसे करें कि ये 5 का मल्टीपल भी आएगा, अगर ये 5 का मल्टीपल आ गया तो मेरा उल्टा भी ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज उल्टा मेरा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ये एक कहने का कहना था मैं। दूसरी चीज एक और करके क्या कर सकते हो कि आपको 2a plus 3b को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे अपन जैसे ये रिलेशन तो मेरे पास सही थी, इस रिलेशन से b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, या फिर इस रिलेशन से a की वैल्यू उठा के यहाँ रखो और उसको सिंप्लीफाई करके देखो, उस सिंप्लीफिकेशन से मेरा काम हो रहा है कि ना, फिर वो चेक करना पड़ेगा। ये दो तरीके करने के। आरी बात सर, हाँ बोलो। सर अभी किसी ने एग्जांपल दिया था जिससे इसने ये प्रूफ कर दिया था कि ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब 12 वर्ड वाला कि वो एग्जांपल, देखो एग्जांपल अगर क्लिक करे तो मेहनत आपकी बहुत बच जाएगी, फिर तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कि अगर एग्जांपल कोई अगर आप देख लो कि भाई ऐसा कुछ एग्जांपल क्रिएट कर दो कि जिसमें सिमेट्रिक नहीं आ रहा, तो अपन डायरेक्टली नहीं बोल देंगे, तो फिर ये मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी। कौन सा एग्जांपल दिया था सर? 12 एग्जांपल दिया था, 12 और 1 एग्जांपल दिया था, 12 एंड 3,12। हां सर, यस सर, 3,12, तो 3,12 अगर रखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यहां पे आ जाएगा कितना आपका 6, यहां पे आ जाएगा कितना 36 कर रहा है ना, 12,3, ठीक है 12,3 कर रहा था सर, वही नहीं तो सर, वैसे 12,3 भी नहीं कर रहा, बट उसने कहा था कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है सर। LHS में हम 5 के प्रूव करते तो 12,2 कर रहा है ना, पर अरे छोड़ो आप लोग, ठीक है, अब आप देख लेना, इतनी देर हो गई, आप समझ में आ रहा है? आप एग्जांपल सही लो ना, एग्जांपल ही गलत ले रहे हो। ठीक है सर, इसमें 3a plus 2b ऐड कर देते हैं, इसके अंदर सर ये 2a plus 3b में, चलो इस 2a plus 3b में आप क्या ऐड करना चाह रहे हो सर? 3a plus 2b। अच्छा फिर सर LHS 5 का मल्टीपल आ जाएगा, लेकिन आपने ये ऐड क्यों किया? अगर ये ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा सर। वो कहना चाह रहा कि फिर 2a plus 3b 5 का जो मल्टीपल है हमें गिवन है, एंड जो ओके समझ गया, वेरी गुड, समझ गया। ये इन दोनों का एडिशन आपका कितना आ जाएगा?
5a plus 5b 5 lambda very good हाँ ये एकदम सही तरीका बताएं तो ये 2a plus 3b भी 5k है तो 3a plus 2b भी 5k हो जाएगा हाँ ये कर सकते हो हाँ है ना समझ में आया yes sir ये ठीक हाँ ये ठीक सर ये मतलब 2a plus 3b 5 का मल्टीपल लगी कैसे किया आपने हाँ ये justifiable भी यही मैं समझा रहा था आपको justify करना पड़ेगा कुछ भी लेके देखो अब ध्यान से मुझे मैंने आपको क्या कहा था कि a कॉमा b अगर है मतलब ये आपकी गिवन कंडीशन है आपको प्रूव क्या करना है b कॉमा a उसके अंदर आना चाहिए मतलब आपको ये प्रूव करना है कि b कॉमा a से क्या रिलेशन बनेगा 2b plus 3a ये कोई ना कोई आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए ये कोई ना कोई क्या होना चाहिए 5 का मल्टीपल ये बात समझ में आ रही है सबको यस सर ठीक है तो इसी को क्रिएट करने के लिए उसने क्या बोला कि भाई सर 5a plus 5b ये तो 5 का मल्टीपल होता ही है यस सर अब इसको ब्रेक कर दिया 5a को कैसे ब्रेक किया 2a plus 3a में और 5b को कैसे ब्रेक किया 2b plus 3b में हाँ है ना यस सर अब दो 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 पे अब जो पे अब देखो ये तो ऑलरेडी गिवन है मेरे पास 2a plus 3b तो 2a और 3b को साथ में ले लिया हाँ है ना और बचा क्या 3b plus 2a इसको साथ में ले लिया इक्वल टू 5k 5 लैम्डा अब ये तो मेरे पास ऑलरेडी 5k गिवन था यस सर क्लियर है ये क्या है भाई 2 3a ये ऑलरेडी 5k गिवन था तो ये जो बचा हुआ चीज है ये भी तो 5 का मल्टीपल होगा इधर भी 5 है ना यस सर ठीक है तो ये प्रूव हो गया क्लियर हो गया सबको यस सर प्रूव करना आप जैसे वो बोल रहे थे ना a माइनस b वो तो अपन को प्रूव करना था आप तो डायरेक्टली रैंडम बोल नहीं सकता अपन को कोई ना कोई जस्टिफाइबल वो देना पड़ेगा तो अपने पास सिमेट्रिक भी आ गया रिफ्लेक्सिव भी आ गया तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है अच्छा एक और चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव अब तो ट्रांजिटिव के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा दो पेयर लेने पड़ेंगे ए कॉमा बी बी कॉमा सी और वो आ रही बात समझ में yes, sir. या तो वो करोगे या फिर कोई ना कोई एग्जांपल लेके करोगे कर लोगे ट्राई आप ट्रांजिटिव के लिए yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते काफी टाइम चला गया इस क्वेश्चन में ये खुद से आगे वाला कर लेना नेक्स्ट जल्दी से ऐड करो के मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन दैट मस्ट बी एडेड टू मेक इट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देखो सिमेट्रिक के लिए क्या रहा आंसर आपका वैसे 7 बी सर ऑप्शन ओके मतलब मिनिमम तो खैर बाकी सब तो और से कम ही है ठीक है तो देखो सिमेट्रिक होने के लिए इनके उल्टे होना जरूरी है तो a कॉमा b अगर है तो एक तो एलिमेंट आपका आना चाहिए b कॉमा a और इसका उल्टा आ जाएगा c कॉमा b ये दो एलिमेंट तो कम से कम होने चाहिए देखो ये रिलेशन r के अंदर ऑलरेडी ये दो एलिमेंट तो गिवन है इसके अंदर और कौन से एक्स्ट्रा ऐड करने वो हमको चेक करना है तो इनके उल्टे अपन ऐड कर ये सही किया मैंने बोलो यस सर बिल्कुल अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करोगे एक एक का ट्रांजिशन सबके साथ होना चाहिए सबसे पहले अपन a कॉमा b सिलेक्ट कर लेते हैं अब a कॉमा b इसके अंदर ऑलरेडी है अब मुझे ये चेक करना है कि इन चारों एलिमेंट में से b से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है b से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है एक तो b कॉमा c है और एक b कॉमा a हाँ है ना यस सर इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा a कॉमा c और इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा a कॉमा a तो ये दो ये दोनों एलिमेंट भी आने चाहिए तो ट्रांजिशन अब देखो यहीं पे मैं ऐड करता जाता हूं तो ये भी तो आएगा फिर हां एक मिनट रुक जाओ क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी कर दिया मैंने एक मिनट ठीक है ये ऑलरेडी एलिमेंट था आपने एक तो एलिमेंट कौन-कौन सा ऐड कर दिया b कॉमा a ऐड किया c कॉमा b ऐड कर दिया इसके अलावा आपने क्या-क्या एलिमेंट ऐड किया a कॉमा c और a कॉमा a क्लियर है यहां तक यस सर जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे वो मैं भी यहां पे ऑरेंज कलर से लिखते जा रहा हूं ठीक है अब बी से स्टार्ट होने वाले हो गए सारे कंप्लीट यस सर मतलब इसका काम हो चुका है स्टेप बाय स्टेप जाओगे कभी गलती नहीं होगी जल्दबाजी मत करना इन सब क्वेश्चन इसके बाद अगला एलिमेंट है आपका बी कॉमा सी अब बी कॉमा सी के साथ चेक करते हैं किस किस का ट्रांजिशन बन रहा है तो बी कॉमा सी के साथ आप देखोगे तो बी सी से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं सी कॉमा बी सी कॉमा
बी, और कोई एक सी सिस्टर होने वाला नहीं, नहीं सर, सी कॉमा ए भी तो होना चाहिए था सर, बी कॉमा बी, इसका सी कॉमा ए और ए कॉमा सी, क्या कह रहे हो सर, सी कॉमा ए तो है सर, आपने ऐड नहीं किया था पिछली बार, बट है तो वो भी ना सी कॉमा ए, कहां पे सर, जब ए कॉमा सी है तो सिमेट्रिक बनाएंगे तो सी कॉमा ए, अच्छा सिमेट्रिक, हाँ हाँ इसका उल्टा सिमेट्रिक ऐड नहीं किया अपने, वेरी गुड, तो ये इसका सिमेट्रिक ऐड हो गया, इसका सिमेट्रिक ऐड हो गया, ए कोमा सी का सिमेट्रिक कौन हो जाएगा, सी कोमा, वेरी गुड, तो सी कोमा ऐड यहाँ पे एक और चेक करना पड़ेगा, सी कोमा ए का ट्रांजिशन क्या बनेगा, ए कोमा बी कोमा ए, है ना, बी कोमा ए, ट्रांजिशन इसका काम हो गया। अब वापिस से अब इसके लिए बारी बी कोमा ए से चेक करोगे, अब बी कोमा ए का देखो सबके साथ एक एक करके पेयरिंग, B, A, तो A से स्टर अच्छा इसकी देख लो उल्टे सब लिख दिए ना अपन ने, हाँ है, तो B, A से देख लो A, C, अच्छा यहाँ पे एक और कौन ऐड हुआ, B, B, A, B, A, B, A और A, C, और A, C और A, A, हाँ है ना, यस सर, यस सर, ट्रांजिशन क्या बनेगा, सबसे पहला B, B ये ऑलरेडी है, अब हमने छह तो देख लिए सर, अब सात ही होगा, हाँ मतलब कितने हो गए, एक दो तीन, हाँ वो भी कर सकते हो, हाँ सर मतलब जब छह गिनी लिए तो अब तो बचता ही सात हुआ, बाकी लेकिन फिर भी समझाना मेरा काम है, ये b कॉमा a तो b b से ऐड कर दो, b b ऑलरेडी है, इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा, b कॉमा c वो भी है क्या, हाँ है, इनका ट्रांजिशन भी है, तो इसका भी काम हो गया, इसके बाद आपको इसके लिए चेक करोगे c कॉमा b के लिए, क्लियर है सबको, अगर ये मान लो इंटीजर टाइप में आ जाए तो फिर आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, क्लियर है, तो इंटीजर टाइप में तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, अब बी से स्टार्ट होने वाले वापस चेक करोगे तो बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी, है ना, उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, खैर हो जाएगा काम, सर वो फिर सी भी ऐड करना पड़ेगा फिर तेरे रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, हां तो अपन बनने दो ना, उसमें दिक्कत क्या है, ये सर बन रहा है तो बनने दो, उससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, अपन को यूं थोड़ी बोला कि रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना है, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, सी कोमा सी, तो सी कोमा सी इसमें नहीं था तो वो ऐड करना पड़ेगा, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, सी कोमा ए, तो सी कोमा ए ऑलरेडी, इनका ट्रांजिशन ऑलरेडी, तो बस हो गया काम लगभग, क्लियर है सर, ठीक, चलो टाइम कितना हो गया, 9 बजने वाली, ठीक है, आज थोड़ा स्पीड अपनी स्लो थी, काफी दिन बाद क्लास हुई है, तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया सबको, ठीक है, ठीक है, मेरे को डर लगता है भैया, एफर्ट अपन इतना ले रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, देखो आगे क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आया वो थोड़ा सा आज रिवाइज करके आना प्रॉपरली, नेक्स्ट क्लास में अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के, कुछ क्वेश्चन 2022 में थोड़ा सा जिनका लेवल अच्छा है तो वो भी मैं ऐड करूंगा, और कुछ 2021 के क्वेश्चन, मतलब बेसिकली पूरा पीवाईक्यू निपटा लेंगे ताकि सारी वैरायटी कवर हो जाए, ठीक है, तो कल की क्लास में, कल होगा तो मॉर्निंग में मैं अभी शेड्यूल शेयर कर दूंगा, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जिसमें पूरा हम रिलेशन निपटा देंगे, रिलेशन मॉर्निंग में निपटा के आफ्टरनून या इवनिंग वाली क्लास में फंक्शंस को कर देंगे, क्लियर है, यस सर, यस सर, क्लास तो नहीं है ना अभी सर, हम कल के टेस्ट के लिए, हां 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 बोलो सर, हम संडे के टेस्ट के लिए एक काम कर सकते हैं कि मतलब 2022 का 21 का एक जेई का प्रीवियस ईयर का पेपर ही पूरा उसी टेस्ट में डाल दे, मतलब पूरा एक सेट वही, पर आप लोगों ने कर रखे होंगे ना, आप लोगों ने नहीं किया पीवीएस पेपर सॉल्व कंप्लीट 2021 सर, कंप्लीट सर, एक बार पूरा टेस्ट में सॉल्व करते ना तो मतलब थोड़ा अंदाजा लगता है, हां हां ठीक है, ठीक है, बाकी लोग इस बात से सहमत करते हो, नहीं सर ऐसे तो मतलब पीवीएस करते तो क्वेश्चन तो फिर ऐसे में आधे आधे क्वेश्चन कर ही रखे होंगे, ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ अभी आपका जो पेपर आ रहा है उसका लेवल ज्यादा टफ आ रहा है क्या, लग रहा है क्या, नहीं सर मजा आ रहा है, नहीं सर अच्छा है सर, ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर पेपर तो क्या है ना, अगर आप चाहो तो जैसे किसी दिन सैटरडे वेडनेसडे खुद ही डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, राइट, ठीक है, आपको अगर ऐसे चेक करना हो ना कि हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो आपको पेपर चाहिए नहीं हो पेपर तो मुझसे मांग लेना, मैं खुद से दे दूंगा, उस पेपर को जाओ प्रिंट आउट निकाल लो उसका, तो 3 घंटे बैठो शांति से, देखो आपसे हो पा रहा कि नहीं हो रहा, ऐसा पेपर जो आपने पहले नहीं कर रखा हो सॉल्व, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अपन किस तरह से जा रहे हैं, बहुत सारे पेपर है, आप देखोगे ना हर अटेम्प्ट में, जैसे जनवरी अटेम्प्ट में भी 8-10 पेपर होंगे, अप्रैल अटेम्प्ट के भी 8-10 पेपर है, 2022 के भी दोनों अटेम्प्ट के बहुत सारे पेपर, तो पेपर्स तो काफी सारे अवेलेबल है, तो आपको किसी के जेई का पीवाईक्यू का सॉल्व करना तो आप उठा सकते हो, होता क्या है ना जनरली क्लास में वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं,
ठीक है, लेकिन ये भी आइडिया अच्छा, आपको प्रैक्टिस के लिए करना हो तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ओके, यस सर, नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी नेक्स्ट क्लास, एक क्लास 9:15 पे होगी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय।